खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जीवन में हम सभी सफलता की कामना करते हैं, निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की उन्नति होती रहे, यही हमारा उद्देश्य होता है और ख्वाहिश भी। लेकिन हाल ही में कई ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, इन्होंने अपनी चाल बदली है। इसका क्या होगा आपके आने वाले कल पर असर, खास तौर पर आपके प्रमोशन पर, आपकी उन्नति पर, इसी पर आज हम बात करेंगे। साथ ही जानेंगे परवरिश टिप, दिन का शुभ अशुभ समय, जन्मदिन, आज का राशिफल और वो विचार जो हम सबका दिन बना देता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। राम राम गुरु जी। राम राम। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ओ देशाला लाज प्यारे सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। इस बार तरक्की थोड़ी सी कठिन होगी, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा, लेकिन अगर हम कुछ एक उपाय कर लेते हैं, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप वो करने लगेंगे तो बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। अब काम तो करना ही पड़ता है, तो मेहनत तो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है ही है, लेकिन अगर आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आपकी मेहनत रिकग्नाइज हो जाएगी। उपायों से ये फायदा होता है, जैसे पहली चीज क्या है कि आप यदि सूर्य के सामने बैठकर 20 मिनट गायत्री का यज्ञ कर लें हफ्ते में एक दिन भी, और रविवार हो तो क्या कहने, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 बजे नींद खुली और कर रहे, ये सूर्योदय के समय होगा, सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर भीतर, तो अगर आप इस यज्ञ को कर लेते हैं 6 महीने भी, तो यह प्रमोशन आपको दिला देगा। कैसे दिलाएगा? बाधाओं को खत्म कर देगा। ऐसा नहीं कि अचानक सबके माइंड बदल जाएंगे और अंधेरे में प्रकाश आ जाएगा, ऐसा नहीं, ये तो सीरियस में होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी जो मेहनत है ये लोग रिकग्नाइज करने लग जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, ऐसे 2-3 ही उपाय हैं, लेकिन जो आप कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो लगातार बने रही है, ऐसे ढेर सारे उपाय हम गुरुजी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल आज के राशिफल की बात करते हैं। गुरुजी, पहली 4 राशियों का दिन कैसा? यानी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि। मेष राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन प्रमोशन आदि की संभावनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ने का चांसेस मिलेंगे, प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी सावधानी लेकिन रखनी होगी, कुछ लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? हाथ में लाल धागा बांधिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और अपने मनोभाव पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन बहुत सोच समझ कर किसी से कोई बात कीजिएगा, अपने राज मत खोलिएगा। एक छोटा सा उपाय अवश्य कर लें, इस दिन हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करें और चावल का दान जरूर कर दें। मिथुन राशि, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने की वजह से नुकसान हो सकता है, आपके चिड़चिड़ेपन और क्रोध की वजह से भी जिन नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सावधानी, रिश्तों को ढंग से ही निभाइएगा, और आप स्त्री हैं तो पुरुषों से, पुरुष हैं तो स्त्रियों से बहुत मर्यादित व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करना है? कच्ची सब्जी का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, समय आपके लिए थोड़ा सा कम अनुकूल है, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, अचानक किसी यात्रा के संकेत भी मिल रहे हैं, बस ध्यान से यात्रा करें। एक सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, इस दिन अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे, बल्कि कहूं तो कोई फैसला ही नहीं लेंगे तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय का जप करें और हो सके तो शिवलिंग का अभिषेक करते हुए फिर काम पर जुटें। उपाय नोट करते जाइए और वो सावधानियां भी जरूर याद रखिए जो गुरुजी ने आपको बताई हैं। अब बात आज की परवरिश टिप की, गुरुजी वो क्या है? कुछ खास किस्म के बच्चों को कुछ खास किस्म से डील करना चाहिए जी। जैसे चिड़चिड़े या क्रोधी बच्चे जो हैं, जो आजकल बहुत बढ़ते भी जा रहे हैं, इनको कैसे डील करना चाहिए सुने। जिन बच्चों को बहुत क्रोध आता है उन बच्चों को दौड़ाइए, भगाइए, उनके साथ थोड़ा सा खेलिए और उन्हें हंसाने की कोशिश कीजिए। जिन बच्चों को बहुत क्रोध आता है
इन्हें रात में जल्दी सुलाना चाहिए और सुबह इनको जल्द उठाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे इनकी रूटीन बदलिएगा, नहीं तो क्रोध और करेंगे। इस उपाय से देखिएगा बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कुछ महीनों में। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जरूर ध्यान में रखिए, अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए और उसको वैसा ही ट्रीट करिए। आगे बढ़ते हैं, बात उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है। गुरुजी, उनका साल कैसा होगा? इतना अच्छा होगा कि इनको कम से कम 10-15 लोगों को मिठाई खिलानी चाहिए। अरे वाह, ठीक है। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब सुनिए हाल, आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, आपको एक नया बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। ये ठीक है कि कुछ परेशानियां पिछले वर्ष की आपका पीछा करती रहेंगी और उसकी वजह से मन चिंतित और उदास रहेगा, लेकिन वह भी अगस्त के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जीवन में 20 अप्रैल से लेकर 20 जनवरी के बीच में एक परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन अच्छा होगा, इसके दम पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए परिवर्तन को स्वीकारिएगा। बस परेशानी कहां, परेशानी सबसे पहले है आपके क्रोध और चिड़चिड़ेपन से, आपके आलस्य से, वो मत कीजिएगा। इसके बाद ऐसा समय आपको अनेक वर्षों के बाद मिलेगा, इसलिए एक एक क्षण का सही इस्तेमाल कीजिएगा, वक्त को व्यर्थ मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, रोजाना इष्ट गुरु माता पिता और गौ माता की सेवा जरूर करनी है, या तो उन्हें प्रणाम जरूर करना है और साथ ही साथ सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़ देना है। तरक्की तरक्की, ऑल द बेस्ट। तो वाकई ये साल ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आ रहा है, बस वो उपाय जरूर कीजिएगा जो गुरुजी ने आपको बताया। गुरुजी, अब आज की एक व्यथा ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक है प्रेरणा दिल्ली से और उनका डेट ऑफ बर्थ है 24/11/83, दोपहर 12:10 पर इनका जन्म है। संतान सुख नहीं है, संतान अभी तक नहीं है, तो उसको लेके काफी चिंतित है। कुछ उपाय कीजिए, मुझे लगता है कि संतान होगी। पहली चीज, हस्बैंड को डॉक्टर साहब से दिखवाइए, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं दिख रही है मुझे, और डॉक्टर साहब जो बताएं उसे निसंकोच वह लें, ठीक है। दूसरी बात, बृहस्पतिवार को अपने किसी भी बड़े के नाम से, चाहे वो ससुराल पक्ष के हों, चाहे वो मायके पक्ष के हों, वह उनके, और ज़रूरी नहीं कि ये वो बड़े हों जो इस धरती पर अब नहीं है, कोई भी हो सकता है, उनके नाम से कुछ कुछ दान पुण्य जरूर कर दिया कीजिए। दूसरी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है वो ये लग रही है, घर में 5 तुलसी और 1 पीपल रख लीजिए और रोज़ाना स्वयं उसे सींचा कीजिएगा और गणेश जी की उपासना ज़रूर कर लिया कीजिएगा उत्तर की ओर मुँह करके। अगर ये उपाय आपने किया तो मुझे लग रहा है 17-18 महीने के अंदर अंदर प्रभु जी आपको कोई ना कोई शुभ समाचार जरूर देंगे। तो प्रेरणा जी, होप बिल्कुल मत खोइए, समय निकट ही है, बस वो उपाय जरूर कीजिएगा जो गुरु जी ने आपको बताए हैं। तो आपका प्रमोशन यदि होने वाला है या फिर आप प्रमोशन चाहते हैं, उसमें कुछ अड़चन आ रही है, तो गुरु जी हमारे साथ हैं और वो लगातार हमें बता रहे हैं कि इसको कैसे दूर किया जाएगा। हाल ही में ग्रहों ने अपनी चाल बदली है गुरु जी, प्रमोशन पर जिस तरह के असर आप देख पा रहे हैं, आखिर क्या उपाय लोग करें उसके लिए? भाई, असर तो देखिए स्पष्ट आ ही रहा है कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एक उपाय और बताता हूँ। आप काले कपड़े में उड़द, सरसों, संभव हो तो कुछ धन, यह रखकर शनिवार को दान कर दिया करें। महीने के एक शनिवार, ये 6 महीने तक करना है, जिनको भी अड़चने आ रही हैं उन सबको महीने के एक शनिवार को, ये किसी भी पक्ष का हो, आप जूते चप्पल जैसा आपके पास धन हो उस हिसाब से वह खरीद कर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए और अपने फटे हुए जूते चप्पल आप फेंक दीजिए, उन्हें मत पहनिएगा। हाँ, कोई मजबूरी है, धन की बहुत कमी है तो एक अलग बात है, प्रभु जी सब अपना ठीक करते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा फटे हुए जूते चप्पल ना पहने आप और जूते चप्पल का दान कर दें, तो ये करने से निश्चित रूप से बधे हुए रास्ते खुलेंगे। तो उपाय नोट कर लीजिए, प्रमोशन अगर चाहिए, परेशानियों और अड़चनों को दूर रखना है तो ये बेहद जरूरी है।
अब जान लेते हैं दिन का शुभ अशुभ समय, गुरु जी वो क्या रहेगा? पहले अशुभ समय बताता हूँ, फिर शुभ समय बताऊंगा, नोट कीजिए। दो मुहूर्त होगा, दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:49 तक गुलिक काल रहेगा, सुबह 10:52 से 12:25 तक यमगण काल रहेगा, सुबह 7:46 से 9:19 तक राहु काल रहेगा, दोपहर में 12:25 से 1:57 तक। शुभ समय नोट कीजिए, इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा, लेकिन अमृत काल मिलेगा आपको शाम को 6:34 से 8:20 तक। ये मैंने दिल्ली का समय बताया है, अपने स्थानीय समय को इससे थोड़ा सा जोड़कर या घटाकर निकाल लीजिएगा। अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, इंपॉर्टेंट मीटिंग, कोई भी नया काम इसी समय को ध्यान में रखकर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमें पता है आपको राशिफल का इंतजार है, गुरु जी जो बीच की चार राशियां हैं उनका दिन कैसा होगा? यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन उन चीजों का इस्तेमाल ना करें जो जला सकती हैं। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? सूर्य के दर्शन कीजिए और पके हुए भोजन को बांटिए, रोजी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन कुल मिला के समय अच्छा है, धन आदि की दृष्टि से भी ठीक है, नए मित्र से जान पहचान हो सकती है, पार्टनरशिप संबंधी बातचीत भी किसी से हो सकती है, लेकिन एक सावधानी, शेयर्स आदि में यदि इस दिन पैसा लगाएं तो बहुत सोच समझ कर लगाएं, किसी के कह देने भर से ना लगा दें। उपाय क्या करना है? गणपति जी को दूरवा भेंट करके, फिर उनको प्रणाम करके, उनका ध्यान करके, फिर काम पर जुटिएगा तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, यह दिन अच्छा है, घूमने फिरने को भी आपको मिल सकता है, कुल मिला के प्रशंसा प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी, कुछ नया विशेष कार्य करने से खुशी भी मिलेगी, लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन कोई बहकाने की कोशिश कर सकता है उसका ध्यान रखिएगा और झूठी गवाही किसी की मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन श्वेत वस्त्र धारण कीजिएगा और खीर का दान कर दीजिएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, थोड़ा सोच समझ कर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन आपके गुस्से में होने की वजह से या चिड़चिड़ेपन की वजह से या गलत बोलने की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है, बस एक छोटी सी सावधानी, इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आज किसी मजदूर की सेवा जरूर कर दीजिएगा, चाहे धन से कर दीजिएगा या अनाज से कर दीजिएगा। अपनी राशियों के हिसाब से उपाय जरूर ध्यान में रखिएगा, और हाँ, जो गुरुजी ने कहा है, जो सावधानियां रखनी है उन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरुजी, प्रमोशन के लिए और क्या उपाय इस परिस्थिति में किए जा सकते हैं? कोई अचूक उपाय, कोई आसान उपाय? हर शहर में कहीं ना कहीं एक ऐसा विद्यालय या ऐसा छात्रावास अवश्य होता है जहां पर वह लोग रहते हैं जिनको आंखों की समस्या है, जिनकी आंखें नहीं है। ऐसी जगह जाकर, महीने के किसी भी एक दिन ऐसी जगह जाकर उनकी यथोचित सेवा किया कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, भोजन उन्हें चाहिए और आप दे सकते हैं तो वो कीजिए, दवा चाहिए तो वो, कॉपी किताबें चाहिए तो वो, ये आप करके देखिए, रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और ज्यादा बन जाएंगे, आपकी अपेक्षाओं से कुछ बेहतर हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा पुण्य है और आपका काम भी बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतिम चार राशियों का दिन कैसा होगा गुरु जी, उनका राशिफल? यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, घर गृहस्थी में कुछ बाधाएं दिखाई दे रही हैं, किसी तीसरे या बाहरी व्यक्ति की बात पर भरोसा मत कीजिएगा, एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतनी है, जिन लोगों को नाभि और जांघों के बीच में प्रॉब्लम रहती है या टॉयलेट रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है, वो उस दिन अपने परहेज ध्यान से करें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर करने के लिए? चावल और हल्दी का दान जरूर करिएगा। मकर राशि, जिन लोगों को आंख की, गले की या सांस की दिक्कत रहती है, उन लोगों के लिए यह दिन थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने वाला है, बाकी कुल मिला के समय ठीक है, धन आदि के लिए भी समय ठीक है, यद्यपि कुछ बाधाएं रहेंगी लेकिन फिर भी काम बनेगा, बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, वो ये है कि यदि आप बिजली पानी पे काम कर रहे हैं तो जरा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? सूर्य के दर्शन कीजिएगा और शहद का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि, समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है, इसलिए बहुत संभल के चलना है, और खास बात, बातचीत बहुत
ढंग से करनी है। कोई आपको गलत समझ सकता है या आपके क्रोध की वजह से किसी कोई रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन भाई बहनों के साथ बहुत नम्रता का व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप तांबे के बर्तन में जल ग्रहण कीजिएगा पूरे दिन, और दूसरी चीज यह है पके हुए भोजन का दान जरूर कर दीजिएगा। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को भी इस दिन की गई पढ़ाई और बनाए हुए नोट्स का बहुत लाभ मिलेगा। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें, इस दिन बुजुर्गों का अपमान गलती से भी ना हो जाए। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, अरहर की दाल का दान जरूर कर दें। चलिए, दिन भी अच्छा हो गया, क्या उपाय आपको करने हैं वो भी आपने जान लिए, और प्रमोशन कैसे मिलेगा उसके उपाय भी आपको पता चल गए। अब बारी है उस विचार की जो हम सबका दिन बनाता है। गुरुजी, आज का विचार, आज मैं स्टैंप पेपर पे एक बात लिख के देने वाला हूँ। अरे वाह। यदि आप अपनी अपेक्षाओं की असफलता का ठीकरा दूसरों का सर फोड़ते हैं तो ये लिख कर रख लीजिए कि आप जीवन में अधिक सफल नहीं होंगे। आत्म मंथन कीजिए, खुद का विश्लेषण कीजिए, अपनी कमियां ढूंढिए, तराशिए और आगे बढ़ते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका दिन खूब शुभ हो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। आज के इस एपिसोड में इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।